हाय, कैसे हैं आप सब? आज के दिन की क्या खास बात है जानना है ना? बताता हूँ। मंडे टू संडे क्या होता है खास, मैं आशुतोष बताऊंगा आपको क्या है आज के दिन की खास बात, ओनली ऑन व्हाट्स अप टुडे। सो गाइस, आज है 28 मार्च और जहां जहां वर्ल्ड में इंडियन बसे हुए हैं वो आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं होली। सो गाइस, होली क्यों मनाई जाती है? बचपन से ही मुझे पता चली है इसकी कहानी, तो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम था हिरण्यकश्यप, और वो बहुत ही क्रूर राजा था जिसके भाई को विष्णु जी ने मार दिया था। उसी के चलते हुए उनका गुस्सा विष्णु जी के लिए इतना बढ़ गया था कि वो उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने तपस्या की, कड़ी तपस्या की, और उन्हें फिर ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया जिसमें उन्हें कोई मार नहीं सकता था, ना कोई उन्हें घर के अंदर मार सकता था, ना उनके घर के बाहर, ना कोई उन्हें आसमान में मार सकता था, ना कोई उन्हें जमीन पे मार सकता था। इसलिए वो खुद को भगवान मानने लग गए थे, और इसी के चलते उन्होंने अपनी सारी प्रजा को बोल दिया कि सब मेरी पूजा करें, सब मुझे भगवान माने। लेकिन विधि का विधान जैसे कि हर जगह होता है, उनके ही घर में उनका जो बच्चा था प्रहलाद, उनका बेटा, वो बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था, जिसकी वजह से हिरण्यकश्यप को उनका गुस्सा आया करता था। उन्होंने उसे काफी तरीके से मारने की कोशिश भी की थी, काफी बार समझाया, लेकिन जब नहीं समझे तो फिर कभी उन्होंने खाई पे फिकवा दिया, कभी उन्हें कुएं में गिरा दिया, कभी उन्हें हाथी से कुचलवाने की कोशिश की, और कभी कभी उनके घर के अंदर या उनके कमरे में सांप को तक के छोड़ दिया, लेकिन कोई भी चीज उनको मार नहीं सकी। ठीक इसी तरीके से फिर उनकी बहन थी जिनका नाम था होलिका, जिनको वरदान मिला था, यानी कि वरदान में उन्हें एक चुन्नी मिली थी जिसे अगर वो पहन के आग में बैठ जाए तो आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी और आग में जल नहीं सकती थी। फिर उन्होंने सोचा कि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेके आग में बैठ जाती हूँ और फिर आप मुझे जला देना, जिससे मैं तो बच जाऊंगी लेकिन प्रहलाद वहां जलकर राख हो जाएगा। तो फिर इसी तरीके से होलिका अग्निकुंड में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, और लकड़ियों में जब आग जलाई गई तो होलिका हंसने लगी जोर जोर से, क्योंकि उसको लगा अब तो प्रहलाद मर ही जाएगा और वो बच जाएगी। लेकिन फिर एक ऐसी हवा चली कि होलिका की जो चुन्नी थी जो उसे बचाए रखती थी आग से, वो उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई, और उस आग में प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई, जिसके वजह से ये साबित हो गया था कि बुराई पर अच्छाई की जीत हमेशा होती रहेगी। सो गाइस, ये थी आज के दिन की खास बात। कल क्या होगा खास, जानने के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप टुडे विद आशुतोष के साथ। हैप्पी होली।